दोस्तों आप सभी ने धर्मेंद्र की फिल्म अपने तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ कैटरीना कैफ, सनी देओल और शिल्पा शेट्टी जैसे बड़े बड़े कलाकार नजर आए थे। तो वहीं इस फिल्म में धर्मेंद्र की पत्नी का रोल किरण खैर ने निभाया था और धर्मेंद्र के अभिनय के साथ किरण खैर के अभिनय को भी दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं धर्मेंद्र की पत्नी का रोल निभाने वाली किरण खेर आज कहाँ है, क्या करती है और कैसी दिखती है? अगर आप भी ये सभी बातें जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के एंड तक बने रहें और धर्मेंद्र के शानदार अभिनय के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों पंजाब में जन्मी किरण खेर अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई थी, पर मुंबई में आते ही उनकी शादी गौतम बेरी से कर दी गई जो कि एक जाने माने बिजनेसमैन थे। लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और बहुत जल्द इन दोनों का तलाक हो गया। तलाक से एक साल पहले किरण खैर ने 1983 में पंजाबी फिल्म आसरा प्यार दा से डेब्यू किया था जिसमें उनके अभिनय को काफी ज्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म के रिलीज होने के एक साल बाद ही इन्होंने अपने पति गौतम बेरी से तलाक ले लिया और तलाक के बाद इनकी शादी 1984 में जाने माने अभिनेता अनुपम खैर से हुई और आज ये अपनी शादीशुदा लाइफ में काफी ज्यादा खुश है। साथ ही इन्होंने 1996 में अमरीश पुरी के साथ फिल्म सरदारी बेगम में भी काम किया जो काफी चर्चित रही। लेकिन किरण ने अपनी एक्टिंग की असली छाप 2002 में संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास से छोड़ी। इस फिल्म में इनकी एक्टिंग की हर किसी ने तारीफ की। इस फिल्म के बाद इन्होंने फिल्मों में माँ के किरदार ही ज्यादातर निभाए जो एक से बढ़कर एक सुपरहिट साबित हुए। इनका अभिनय आप लोगों ने शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम, वीर जारा और दोस्ताना फिल्मों में देखा होगा जिसमें इनके अभिनय को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। तो वहीं छोटे पर्दे पर इनका काफी बड़ा नाम है और ये कलर्स टीवी के रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट की जज बनी हुई भी नजर आती है और आज भी इनका फिल्मी सफर जारी है। और आखिरी बार इनको फिल्म अपने में देखा गया था और इस फिल्म में भी इनको काफी ज्यादा पसंद किया गया। इस फिल्म में इनके अपोजिट धर्मेंद्र नजर आए और इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने अपना काफी ज्यादा प्यार दिया। और फिल्मों के अलावा किरण खैर राजनीति में भी सक्रिय हैं। इन्होंने साल 2014 में राजनीति में कदम रखा और आज इनकी वहां भी एक खास पहचान है। फिलहाल किरण खैर अपनी अगली फिल्म की शूटिंग में बिजी है और बहुत जल्द आपको एक बार फिर से फिल्मों में दिखाई देगी। तो दोस्तों आप सभी को किरण खैर का अभिनय कौन सी फिल्म में सबसे ज्यादा अच्छा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।